चारधाम यात्रा मार्ग पर अब तीर्थयात्रियों को ई व्हीकल चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। परिवहन विभाग चारधाम यात्रा मार्ग पर 28 ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। उत्तराखंड परिवहन विभाग के आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा के अनुसार विभाग ई व्हीकल चार्जिंग का इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। उन्होंने बताया कि अब तक यात्रा मार्ग में 20 स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये स्टेशन जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। हर स्टेशन पर एक साथ दो वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। ये सुविधा चारधाम यात्रा मार्ग पर 40 से 45 किलोमीटर के अंतराल पर उपलब्ध होगी। चारधाम यात्रा है, उसमें काफ़ी सारे व्हीकल्स आते हैं, जिसमें आपको एक अगर अंदाज लगाना चाहें तो लगभग 25,000 से ऊपर तो कॉमर्शियल वाहन आते हैं और लगभग इससे दुगनी से तिगनी संख्या में प्राइवेट वाहन आते हैं, जिससे कि धुएं की समस्या हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए भी होती है। हमारी पॉलिसी ये है कि हम ई चार्जिंग इकोसिस्टम तैयार करें, जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल चारधाम यात्रा में आए, जिसके लिए हम लोगों ने जो 1429 किलोमीटर का पूरा चारधाम यात्रा रूट है वहाँ पर ई चार्जिंग स्टेशन देने के लिए पूरी योजना बनाई हुई है।